हुई बालिका की मौत के बाद यातायात पुलिस द्वारा खनिज विभाग के साथ मिलकर की जाएगी चालानी कार्रवाई। नाबालिग की मौत को गंभीरता से लेते हुए यातायात थाना प्रभारी उमेश मिश्रा ने आज से मालपुर की तरफ चेकिंग शुरू करवा दी है। सभी भारी वाहनों को प्रवेश पर उनकी चालानी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उमेश मिश्रा ने बताया कि उनकी बात खनिज विभाग के अधिकारियों से भी हो गई है। खनिज विभाग के अधिकारी भी यातायात पुलिस के साथ मिलकर चालानी कार्रवाई करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि शहर में यातायात व्यवस्था बनी रहे। जो शहर में कार्रवाइयाँ चल रही हैं ट्रैफिक थाने के साथ साथ हमारे जो कोतवाली और कैंट के भी पॉइंट लगते हैं, इसी चेकिंग के दौरान केवल शहर के अंदर के अलावा हम लोगों ने बाहर चेकिंग आज इसलिए शुरू की है कि आज से करीब 2-3 दिन पूर्व एक एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में एक छोटी बच्ची की मृत्यु हो गई थी और मालपुर तिराहे पे आज मेरे द्वारा चेकिंग लगवाई है, जिसमें अपना सूबेदार अविनाश उमरिया चेकिंग कर रहे हैं और वहाँ से मालपुर जो तिराहा है वहीं से शहर के अंदर कैंट चौराहे तक कैची बीड़ी के पास से ट्रैक्टर और डंपर पहुँच जाते हैं। उनकी चेकिंग आज से शुरू की गई है और उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। साथ में मेरी माइनिंग ऑफिसर आकांक्षा जी से भी बात हुई है तो वो अपने माइनिंग के बल को भी भेजा करेंगी, तो हम माइनिंग के बल के साथ में वहाँ चेकिंग लगाएंगे तो और अच्छी कार्रवाई होगी।